गाइस वेलकम बैक टू मी इन द ब्लॉग। मैं हूं मीनू, मीनू ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप भी अच्छी होगी, स्वस्थ भी होगी, मस्त भी होगी। तो फ्रेंड्स मैं भी अच्छी हूं, इतना बढ़िया हूं। और पता है आज जाना है मुझे स्कूल, क्योंकि कल की थी बहुत ही ज़्यादा मस्ती। तो फ्रेंड्स सुबह के बजे हैं अभी 7:30। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर सब्जी, और सब्जी में क्या बनाने वाली हूँ आज, मैं आलू टमाटर की सब्जी बनाने वाली हूँ। तो ये देखो मैंने हरी मिर्च और टमाटर इसमें कट करके पहले से ही रख लिए हैं। ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है, तो मैं यहाँ पर हल्का सा डाल देती इसमें जीरा तड़का लगाने के लिए। दिव्या की छुट्टी है और हम लोगों की आज जाना पड़ेगा, क्योंकि कल मैं 2 दिन की छुट्टियां थी, एक दिन पेपर हुआ था, फिर 2 दिन की छुट्टियां पड़ गई थी। उसके बाद में फिर कल तो मैं गई नहीं, तो मैं चलो आज नहीं जा रही हूँ, मैं घर पे ही अपना रेस्ट किया था अपना मस्ती। लेकिन आज जाना पड़ेगा क्योंकि 2 दिन की छुट्टियां हो जाएंगी। फिर एक प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि मुझे रिक्शे वगैरह से जाना पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो 1 दिन की छुट्टी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर चली जाऊँगी। तो आज जाना पड़ेगा। टमाटर डाल दिए, नमक डाल दिए गलाने के लिए, जिससे कि जल्दी से गल जाएंगे। इसके बाद में बाकी के जो मसाले हैं वो बनाऊ डालूंगी इसमें। और नाश्ते में सुबह बनाई थी मम्मी ने लमाश की चाट बनाई है, तो आप लोग भी खा लीजिए। चाट वगैरह तो मैंने खा ली, ये रखी है मम्मी की, तो मम्मी ने अभी नहीं खाई है। तो चलिए फ्रेंड मैं यहाँ पर फटाफट से ना करी सब्जी को बना दूँ, उसके बाद में बहुत सारी बातें ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा, चैनल को कोई भी न्यू है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी बटन को प्रेस कर देना, जिससे कि आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप लोग वीडियो को वॉच कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं ये सारे काम करने के बाद में मुझे जाना है अभी नहाने, तो मैं अभी नहाई तो नहीं हूँ। मैंने सोचा कि चलो पहले सब्जी बना के रख देती है, कि जब तक सब्जी बनेगी तब तक मैं अपना नहा लूँगी। और आटा वगैरह तो मैंने पहले ही लगा दिया है, तो आटा लगा रखा है और झाड़ू भी लगा दी, पौधा भी लगा दिया, अंदर भी सफाई कर दी, तो काम मेरा ऑलमोस्ट सारा हो गया है। थोड़ा सा बस खाना बनाना बाकी है, तो पहले मैं नहा के आऊँगी, उसके बाद में फिर बनाऊँगी खाना। जब तक ये भी मतलब 8:15-8:30 तक मैं हो जाऊँगी अपनी काम से फ्री, तो सब चलती जी बनाने के लिए मैंने इधर रख दिया है। और दिव्यांश इधर अपना खेलना कर दिया है, उसने स्टार, तो ब्लॉक से दिव्यांश खेल रहा है। और इधर देखो मम्मी ने इतने सारे सुबह सुबह को चिप्स काट दिए हैं, तो आज बनने वाले हैं थोड़े से और चिप्स। एक दिन तो उस दिन बना ही दिए थे, थोड़े से और बनाने के लिए बोल रहे थे पापा कि थोड़े से और बना लो, क्योंकि नवरात्रि वगैरह में बहुत सारे चाहिए। मैं ही रहती हूँ फास्ट, मम्मी तो एक उतरते चढ़ती रहती है, मैं नौ रहती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर भर देती हूँ बाल्टी पानी की, क्योंकि मुझे धोने हैं अभी बर्तन थोड़े से, उसके बाद मैं चली जाऊँगी मैं नहाने के लिए। मैंने पानी लगाने के लिए रख दिया है, पानी हो रहा है हमारा गर्म, तो चलिए फटाफट से करते हैं काम।
रथ रथ कार। तो फ्रेंड्स मैं आ गई नहा के, और नहा के होगी मैं एकदम रेडी, पूजा भी मैंने कर ली है, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर ठाकुर जी के लिए भोग, और मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूंगी। तो चाय मम्मी ने बना दी थी, तो मैं यहाँ पर दो पराठे बनाने वाली हूँ, जिससे ना भगवान जी का भोग भी लग जाएगा और मैं खा लूंगी और फिर मैं चली जाऊंगी अपने स्कूल के लिए। तो अब काफी टाइम भी हो गया है, तो फटाफट से मैं यहाँ पर ना बना लेती हूँ और हो जाती हूँ एकदम फ्री खा पी के, क्योंकि मुझे फिर निकलना भी है यहाँ से, जाना है मुझे पैदल, फिर जाके मुझे वहां पे मिलेगा रिक्शा, तब जाके जा पाऊंगी। तो फ्रेंड्स चलिए बना देती हूँ मैं फटाफट से भोग, बना दू फटाफट पहले सबसे पहले। बस मैंने ना ब्रेकफास्ट कर लिया था, अपने दो पराठे चाय से खा लिए थे, भोग लगा दिया ठाकुर जी का। आज मुझे सुबह को थोड़ा सा काम इसलिए करना पड़ा क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, आप लोग सोच रहे होंगे। वैसे तो मैं सुबह सुबह काम करती नहीं हूँ, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा करना पड़ा, मतलब करना क्या पड़ा, अपना करना पड़ा, क्योंकि अगर नहीं करती तो फिर मुझे भूखा आना पड़ता और मम्मी फिर बोलती है कि खा के नहीं जाती, मैं नहीं बनाती। तो क्योंकि मैंने कई बार ऐसा किया कि मैं बनाती नहीं हूँ। अब जा रही हूँ फटाफट से उस पर जहाँ पे रिक्शे वगैरह मिलते हैं, बस स्टैंड पे जा रही हूँ, और 9 बज गए हैं, यहाँ से चल रहा है पानी खेतों में, ये देखो पानी चल रहा है ना, बरहा बोलते हैं इसको, खेतों में पानी लग रहा है। तो चलो फ्रेंड्स मिलती हूँ आप लोगों को चौराहे पे पहुँचने के बाद। पहुँच गए हम लोग अपने स्कूल, तो फ्रेंड्स मैं निकल आई हूँ अपने स्कूल से और यहाँ पर रिक्शा लूंगी, यहाँ से निकलने के बाद मैं पहुँचूंगी फिर अपने गांव के रास्ते पर। भीड़ हो रही है बहुत ही ज़्यादा, धूप भी हो रही है बहुत। भूल गई थी खजूर, खजूर जो दिखा वो वाले नहीं, वो वाले वो डिब्बे में जो है, हाँ अलग दूसरे वाले, यही वाले कैसे दिए जिन्हें पता है, झुंझुनी से भी निकल आती है कभी कभी, दिखा दो एक। तो मैं लेने आई थी दिव्यांश के लिए खजूर, भूल गई थी रास्ते से, फिर वापस आई गाड़ी से उतर के, याद आया दिव्यांश के खजूर जब वो ख़त्म हो गए थे तो मैं इनके लेके आऊँ खजूर। और जैसे दोबारा से मैं वापस आई दीदी में बैठने के लिए, तो वो दीदी वाला बोलता है कि हम तो अड्डे पर उतारेंगे, लेकिन मैं मंदिर पर जाकर उतर जाती हूँ, वहाँ से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लगता पहुँचने में। फिर वो दीदी तो भरी हुई थी दूर से निकल गई, सिर्फ दिव्यांश की खजूर लाने के चक्कर में, फिर तो पूरी की पूरी खाली पड़ी हुई है, तो अब ये थोड़ी सी भर जाएगी, उसके बाद फिर चलेगी। तो मैं पहुंचूंगी गाँव, वहां जाके करूंगी आपको बस भी बात। तो फ्रेंड्स देखो ये रह गया है मेले के, दो चार झूले पालकी वगैरह रह गई हैं, और ये देखो पूरा का पूरा कितना खाली हो गया, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कितना अच्छा लग रहा था ना पहले। हाँ तो फ्रेंड्स पहुंच गए हैं अपने गांव के रास्ते पे, और ये देखो झूले वूले दो पालकी रह गई हैं उसकी। तो वैसा मेला तो ना सारा का सारा चला ही गया, और ये झूले सबसे पहले भी आते हैं सबसे लास्ट में जाते हैं, क्योंकि भाई इनमें टाइम लगता है लगाने में भी और उतारने में भी उतना ही टाइम लगता है। धूप हो रही है कड़ाके की, और इसीलिए मैं आज जैकेट भी नहीं पहन के गई थी, जैकेट पहन के आती तो और ही ज़्यादा परेशान हो जाती गर्मी की वजह से। स्कूल से मैं 1 बजे निकल आई थी, और पैर में हो रहा है मेरे दर्द अभी भी, मेरे छाला एक ना उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम सी हो गई थी, बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ उसका छाला जो ना उसमें पक सा गया था। वैसे तो मैंने गोली वगैरह खाई है सुखाने की, ये हमारा जो पीपल है ना बहुत साल पुराना है, साल क्या होगा 200-300 साल पुराना तो होगा ही कम से कम, बहुत बड़ा पुराना पीपल है। तो देखो अभी हम लोगों को जाना है वहाँ तक, जो वाइट कलर का दिख रहा है ना वो है स्कूल, प्राइमरी स्कूल छोटी क्लासों का, 5 तक है। पैर में दर्द हो रहा है मेरे,
तो चलो चलते हैं घर धीरे धीरे, ज़्यादा दूर तो नहीं है फिर भी, ये मान लो कम से कम 500 मीटर तो चलना पड़ ही जाता है वहाँ से, क्योंकि देखो वहाँ उतारा था मुझे पीपल से, पीछे उतारा था टिर्री वाले ने, रिक्शे वाले ने, तो यहाँ से वहाँ तक मुझे घर तक जाना पड़ेगा पैदल। बस आ तो मैं कब की जाती, लेकिन दिव्यांश के खजूर रह गए थे ना, वो मुझे अचानक से याद आ गए थे, फिर मैं लेने चली गई, इस चक्कर में हो गई तो इतना समय लेट। चलते चलते घर तो पहुँच ही गए अपने, गर्मी में हालत खराब होगी, जाके पानी पीऊंगी, थोड़ा सा करूंगी रेस्ट। तो मैं आ गई हूँ घर, और अभी कर लिया है मैंने रेस्ट थोड़ा सा, 1-1.5 घंटा हो गया मुझे आए हुए। तो मैंने बोला ही था ना, बाहर उतनी तेज़ धूप हो रही है बहुत ही ज़्यादा, तो पापा बैठे हुए हैं अभी ऊपर, जैसा कि मैं सुबह आप लोगों को दिखाया था ना कि चिप्स मम्मी काट रही थी, तो बन भी गए हैं, बॉयल हो गए, सूखा भी दी है, ऊपर पड़े हुए हैं, तो ना अभी टाइम हो गया है, 2:30 बज गए हैं, तो ऊपर मैं जा रही हूँ छत पर उनको पलटने के लिए, पापा ऊपर ही उनको सुखा रहे हैं, बैठे हुए हैं, दिव्यांश भी अभी ऊपर ही है, तो चलिए ऊपर मैं दिखाती हूँ, देखो दिव्यांश का ये रखा हुआ है पापू, पर में दर्द होने लगे, हल्का हल्का सिर में दर्द हो रहा है, बस 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 मैं सुखाने आई हूँ चिप्स, पापा पड़ तू हटो, नाना जी बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं फान, हाँ सौर ऊर्जा निकल गर्मी होने लगी ना, इसलिए सौर ऊर्जा भी निकाल दी है, वो अपना गर्म हो रही है, हाथ आ रही है उधर जा रहा है, आज सही बने हैं। नमक ना डालो इनमें, कम है।